बच्चों को अब स्कूल जाते वक्त भारी वजन वाला बैग नहीं ढोना पड़ेगा। इस साल से स्टूडेंट्स एक ही किताब में चार विषयों को पढ़ सकेंगे। महाराष्ट्र में जून से शुरू हो रहे शैक्षणिक वर्ष में एकीकृत पाठ्यपुस्तक को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसके तहत शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में दूसरी से लेकर आठवीं कक्षा तक की एकीकृत पाठ्यपुस्तक होगी। यह कदम बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए उठाया गया है। बाल भारती के एक अधिकारी के मुताबिक महाराष्ट्र बोर्ड के सभी स्कूलों में कक्षा 2 से लेकर कक्षा 8 तक के विभिन्न विषयों की एकीकृत पाठ्य पुस्तक बनाई गई है। इसे चार भागों में बांटा गया है। इस साल से हर घटक पाठ और कविता के अंत में नोटबुक का एक पन्ना होगा, जिस पर स्टूडेंट्स जरूरी बातें को लिख सकेंगे। पहली कक्षा को भी एकीकृत पाठ्य पुस्तक है, इसे भी चार खंडों में बांटा गया है। इसमें जरूरत के मुताबिक अभ्यास करने के लिए पन्ने दिए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने एकीकृत पाठ्य पुस्तक को लेकर मार्च में एक GR जारी किया था। इसके अनुपालन में पाठ्य पुस्तक की तैयारी है। इस GR में कहा गया है कि निजी तौर पर बिना अनुदानित स्कूलों में दूसरी से लेकर आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को नियमित पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके पीछे का आशय यह है कि बोर्ड के पास जितनी नियमित पाठ्यपुस्तकों का भंडार और पुस्तक विक्रेताओं के पास है उसका उपयोग हो। यह भंडार खत्म होने के बाद एकीकृत पाठ्यपुस्तकों के चार खंडों को उपलब्ध कराया जाए। इससे विद्यार्थियों को एक सत्र में चार विषयों के लिए एक ही पाठ्य पुस्तक लेना पड़ेगा। इससे विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम होगा। सरकारी नियम के मुताबिक कहा गया था कि एकीकृत पाठ्य पुस्तक में अनिवार्य विषयों को शामिल किया जाए। इसके साथ ही सिलेबस को चार खंडों में बांटा जाए, जिसके बाद बाल भारती ने एकीकृत पाठ्य पुस्तक को लेकर कवायद की है। बता दें कि बाल भारती ही स्टेट बोर्ड की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करती है। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।